ओ भाई बहुत ज्यादा ही वाइड है गाड़ी। ह्यूज फीलिंग आ रहा था कि कोई ऐसे टेम्पो में चढ़ रहे हैं या फिर टेम्पो ट्रैवलर में चढ़ रहे हैं। टेस्ट राइड लेना चाहिए, मेरे को तो बहुत छोटी लग रही है गाड़ी। मेरे को गाड़ी चलो कैंसिल। इज थार अ गुड चॉइस और नॉट? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। हेलो दिस इज माइनस पार्टी व्लॉग बैक विद अनदर वीडियो इनसाइड वाटर। आई एम इनसाइड द पूल। पानी बहुत ज्यादा ठंड है, दो दिन से मुंबई में बारिश का ही मतलब एटमॉस्फेयर है। तो ये मेरे चैनल का आज का अलग सा ये आई एम से वेलकमिंग है, तो थोड़ा चिल कर रहा हूँ यहाँ पे पूल के अंदर। सो यस गाइस, अभी पूल से आ गया, फ्रेश होके अभी निकल रहा हूँ। मैं एक्चुअली जा रहा हूँ गाड़ी देखने, न्यू कार देखने, और मेरे बकेट लिस्ट में 3-4 गाड़ी है जो मेरे को पसंद है, मैंने रिसर्च की है। तो मैं अभी वहाँ पे रियल में जाके फील करूँगा गाड़ी प्रैक्टिकली, फिर एवरेज कितना देती है एंड ये सब चीज़ें फीचर्स वाइज सब देखेंगे, टेस्ट करेंगे, गाड़ी का टेस्ट राइड भी करेंगे एंड वो हिसाब से अपन वी विल चूज द कार। सो फर्स्ट कार जो है वो है थार, फिर सेकेंड इज क्रेटा, थर्ड इज किया सेल्टोस, पर 50-50 है, आई डोंट थिंक मैं देखूंगा क्योंकि किया सेल्टोस में कुछ चेंजेस नहीं आए 3 सालों से, तो क्रेटा भी बहुत कॉमन है, सो लेट्स सी। और हैरियर भी ट्राई करेंगे। सो बेसिकली जैसे मैंने कहा, थार और क्रेटा जो कि अलग सेगमेंट के कार्स है, पर मेरा जो नीड है वो सिटी के लिए ही है ज़्यादा से ज़्यादा, लॉन्ग टूर्स के लिए तो नहीं है, सिटी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो प्रैक्टिकली एंड मैं वो हिसाब से ट्राई करूंगा। चलो लेट्स गो। गेस द कार, वी आर इनसाइड महिंद्रा XUV 300 एंड आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही मतलब स्पेशियस और वैसा वाइड कार फील हो रहा है अंदर से। और आप देख सकते हो यहाँ पे साइड आर्मरेस्ट है एंड परफेक्टली साइज कार है एंड थोड़ा इंफोटेनमेंट मुझे थोड़ा ओल्ड लग रहा है। सो यस गाइस, XUV 300 देख लिया, अभी हम लोग बैठ के देखते स्कॉर्पियो एन में जो कि बहुत ज़्यादा वाइड सेगमेंट पे एंड प्राइस भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा है, मतलब प्रॉपरली मतलब सेट है प्राइस। सो देखते हैं, यहाँ पे सामने है आप देख सकते हो वाइट कलर में। सो चलो लेट्स स्टार्ट। ओ भाई बहुत ज्यादा ही वाइड है गाड़ी एंड चढ़ते वक्त ऐसा बहुत ही ह्यूज फीलिंग आ रहा था कि कोई ऐसे टेम्पो में चढ़ रहे हैं या फिर टेम्पो ट्रैवलर में चढ़ रहे हैं, बट वेरी ह्यूज कार। और इसका जो आप सॉफ्ट फिनिश देख सकते हो, यहाँ पे सॉफ्ट टच है एंड यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, बट आप पीछे भी देख सकते हो ये 7-सीटर कार है और इसका जो सीटिंग कम्फर्ट है वो अलग लेवल है एंड आपको रोड प्रेजेंस भी इसका बहुत अच्छा फील करेगा। मैं डेफिनेटली एक दिन उसका ट्राई करूँगा टेस्ट राइड, फिलहाल अपन थार ड्राइव करते हैं, ठीक है? चलो बाकीच्या गाड्यांमध्ये बघताय पॉवर विंडो, पॉवर स्टेअरिंग, म्युझिक सिस्टम,
सो यस गाइज, थार का टेस्ट ड्राइव लिया एंड बहुत ही ह्यूज गाड़ी है एंड अकॉर्डिंग टू मैं देख रहा हूँ फैमिली कार एंड फॉर द सिटी यूज, बट मुझे थार ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सिटी यूज के लिए बेनिफिशियल है या फिर अप्रोप्रिएट कार है. देखा जाए तो उसका एवरेज 8 से 9 है जो कि ऑटोमेटिक का है एंड सिटी के लिए ऑब्वियसली आप यू नीड अ ऑटोमेटिक कार बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउडेज टू किल द ट्रैफिक ऑन मैनुअल ट्रांसमिशन. और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यूज है, प्लस सिटी के लिए तो ट्रैफिक में आपको इजीली आपको ड्राइव के लिए तो नहीं पॉसिबल है टू गेट डाउन एंड टू गेट आउट. पीछे के सीट्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं. इफ़ आई एम अलोन और या फिर कोई पार्टनर रहेगा तो उसके लिए कार बेनिफिशियल है, और फिर थर्ड पर्सन नॉट मोर देन 4 और 5 आपको मतलब आप इजीली ट्रिप नहीं कर सकते. और प्लस लगेज का भी इशू होगा क्योंकि लगेज के लिए भी जगह बहुत ज़्यादा कम है एंड दिस आर द थिंग्स, बट आई थिंक आई नीड टू कैंसिल द थार. सो ठीक है. सो यस गाइज, अभी हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्कोडा का शोरूम में हम लोग कुशाक देखते हैं. कुशाक इज ऑल्सो अ गुड कार, रिव्यूज मैंने बहुत अच्छे खासे देखे हैं, देखते हैं और प्राइस भी मैच होता है कि नहीं. और थार देखा जाए तो थार RWD जो कि रेयर व्हील ड्राइव है, वो जो है थी वो ऑन रोड 16.41 पड़ रही थी जो कि मुंबई का प्राइस है. ये स्कोडा का शोरूम है यहाँ पे आप देख सकते हो. सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे सामने कुशाक कार है जो कि रेड में आप देख सकते हो एंड बहुत ही अच्छा कार है, पर आई थिंक कि उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है और मैं कॉम्पैक्ट SUV देख रहा हूँ एंड आप देख सकते हो ये और एक ग्रे कलर में कार है एंड इसका बैक आप देख सकते हो एंड आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है. ऐसे तो लग रहा है पर आप जैसे उतरोगे और गाड़ी के अंदर जाओगे तो बहुत छोटी लग रही है. और ये है उसका फ्रंट. ठीक है, मैं सोच रहा हूँ टेस्ट ड्राइव नहीं लूँ. नहीं नहीं, क्या लगता है यश, टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए? मेरे को तो बहुत छोटी लग रही है गाड़ी. मेरे को गाड़ी चलो कैंसिल, कुशाक कैंसिल. सो यस गाइस, हम पहुंचे टाटा शोरूम और देखते हैं हैरियर ट्राई करते हैं. हैरियर में नया मॉडल है रेड डार्क जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है फिलहाल और बहुत अच्छा है क्योंकि उसके सीट्स जो है इंटीरियर पूरा रेड है एंड इट्स वेरी यूनिक और सबको पसंद आ रहा है. देखते हैं. सो यस गाइस, थार का टेस्ट ड्राइव ले लिया एंड इज थार अ गुड चॉइस और नॉट. सो टॉकिंग अबाउट थार, थार इज अ गुड चॉइस फॉर ऑफ रोडिंग एंड फॉर फन ड्राइव एंड फॉर एडवेंचर. बट मेरे हिसाब से जैसे मैंने थार ड्राइव की जो उसका सीटिंग पोजीशन था वो बहुत ही यूनिक था एंड अब जैसे ही बैठोगे फ्रंट सीट पे आपको ऐसा अलग सा फील रहा है, कोई ऐसा ह्यूज कार में आप बैठे हो और एक्चुअली इट्स अ ह्यूज कार. उसका सीटिंग पोजीशन एंड हाइट इज वेरी मच बिग, वेरी बिग. तो ड्राइवर सीट के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड चॉइस. सो टॉकिंग अबाउट द बैक पार्ट ऑफ थार, थार में दो ही लोग ना कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, तीन लोग के लिए है ही नहीं वो सीट क्योंकि जो साइड के जो उसके पिलर्स है यहाँ पे कॉर्नर्स में वहाँ पे टायर के कर्व्स आते हैं, आप वहाँ पे हैंड रेस्ट भी नहीं कर सकते. और ओवरऑल ठीक लगी मेरे को, इट्स नॉट अ फैमिली कार तो मेरे को
एक्चुअली थार मेरे हिसाब से ऑन वीडियो और ऐसे रिसर्च के हिसाब से बहुत अच्छी लग रही थी प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, बट इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल कार. मतलब फैमिली को अगर जाना है एक साथ तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. एंड मेरे हिसाब से थार मेरे को कट ऑफ करना पड़ेगा. एंड आई विल बी ट्राइंग फॉर अ कॉम्पैक्ट एसयूवी जो कि कंफर्ट दे और उसमें लग बूट स्पेस भी रहे. अगर लॉन्ग टूर कर रहे हो तो आई विल बी लुकिंग फॉर दैट कार. सो ओवरऑल दिस व्लॉग वॉज ऑल अबाउट द थार और थार कैसी थी. सो यस गाइस वही अभी ट्राई करेंगे आने वाले दिनों में और भी कार्स का रिव्यू देखते और कार टेस्टिंग करेंगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट थार. सो गाइस देख बताना मुझे कमेंट्स में और मेरे को आप भी सजेस्ट करना कि कौन सी कार सेगमेंट में अच्छी है. माय नीड इज फैमिली कार फॉर सिटी ड्राइव एंड फॉर कंफर्ट, दैट्स इट. फीचर्स और सब में थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ बट ये तीन चीजें जो मेरे को मैटर करती है. सो सजेस्ट मी गाइस कमेंट सेक्शन पे मेरे को बताना कौन सी कार अच्छी है. सो टिल देन आई विल बी एंडिंग माय वीडियो वेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइक करना, कॉमेंट करना और बताना मुझे कि कैसा है वीडियो. एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे इजी, कीप इट सिंपल. दिस इज मानस पाटिल व्लॉग साइनिंग आउट. बाय.